नमस्कार दोस्तों, अन्य फ्रेश कमाल के वीडियो के साथ आपसे स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इग्नल फास्ट पोस्ट में। दोस्तों वीडियो में आप सभी को ये बताऊंगा कि इस फोन के बैटरी को बहुत फास्ट चार्ज कर सकती हो और फोन के बैटरी को लंबे टाइम के लिए यूज कर पाओगे। मैं आप सभी को इस वीडियो में एक यूनिक और यूजफुल एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा और उस एप्लीकेशन के मदद से ये दोनों ही काम कर पाओगे। फोन के बैटरी को बहुत फास्ट चार्ज कर सकती हो और फोन के बैटरी को लंबे टाइम के लिए यूज कर पाओगे, लेकिन इसके लिए आपको जरूर वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना होगा, तभी जाके आप उस एप्लीकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिन्हें करके फोन के बैटरी को फास्ट चार्जिंग कर सकती हो और लंबे टाइम के लिए फोन के बैटरी को यूज भी कर पाओगे। अगर आपको जानना है जरूर वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलो दोस्तों हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं मुस्कुराते हुए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नीचे देखिए लाल रंग में सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन को दबा के जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में देखिए एक छोटा सा घंटी आइकॉन है, घंटी आइकॉन को दबा के इसे ऑल पे सेट कर दीजिए। फिर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट लिखिए फोन ट्रिक्स। दोस्तों यहाँ पर ये छोटा सा कमेंट लिख कर इसे जरूर से सेंड कर देना। दोस्तों किसी भी एंड्रॉइड फ़ोन में बैटरी को फास्ट चार्जिंग करने के लिए और फोन के बैटरी को लंबे टाइम के लिए यूज़ करने के लिए फ़ोन में एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और आप मेरे लिंक से एप्लीकेशन डाउनलोड करना ताकि आप सही एप्लीकेशन डाउनलोड कर सको और ये सेम इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और ये एप्लीकेशन की मदद से आप ये दोनों ही काम कर सकते हो। किसी भी एंड्रॉइड फ़ोन के बैटरी को फास्ट चार्जिंग कर सकते हो और फ़ोन के बैटरी को लंबे टाइम के लिए यूज़ कर पाओगे। मेरे फ़ोन में जो बैटरी चार्जिंग है वो अभी देखिए 36% चार्ज है और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है, इसे ऑन कर दीजिए। इसे ऑन करने के बाद ये सेटिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर इसे ऑन कीजिए, फिर चार्जिंग लेवल इसे 100% कर दीजिए। जब आपके फ़ोन में बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा आपके फ़ोन में अलार्म बजेगा और आपको पता चल जाएगा आपके फ़ोन का बैटरी फुल चार्ज हो चुका है। ऐसे में आपके फ़ोन का बैटरी ओवर चार्जिंग नहीं होगा, बैटरी ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पर अगर आप चाहो यहाँ पर वाइब्रेट मोड इसे भी ऑन कर सकते हो। फिर यहाँ से बैक कीजिए, बैक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं फ़ोन को चार्जिंग में लगा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखिए 36% चार्ज है। दोस्तों यहाँ पर मैं फ़ोन को चार्जिंग में लगा देता हूँ सबसे पहले, तो यहाँ पर मैंने चार्जर से कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है सेव, सेव के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको तीन मोड मिलेगा, सेविंग मोड, स्लीप मोड, कस्टमाइज मोड। सो यहाँ पर अगर आप कस्टमाइज मोड में क्लिक करोगे अपने हिसाब से यहाँ पर कस्टमाइज कर सकती हो। स्लीप मोड में अगर आप क्लिक करते हो, सिलेक्ट करते हो, आपके फ़ोन में बैटरी काफ़ी सेव होगा, लंबे टाइम के लिए यूज़ कर पाओगे। सेविंग मोड भी सेम है, आपकी बैटरी काफ़ी सेव होगा। सो दोस्तों यहाँ पर ये सेटिंग ऑन करने से क्या होगा, आपके फ़ोन में कुछ ऐसे हिडन सेटिंग्स हैं जो ऑफ हो जाएंगे और आपके फ़ोन में बैटरी लंबे टाइम के लिए आप यूज़ कर पाओगे। सो यहाँ पर मैं सेविंग मोड सिलेक्ट करूँगा, ये जो ग्रीन कलर में, यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसे ओके कीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन में कुछ परमिशन अलाउ करना है। सो यहाँ पर एप्लीकेशन को ढूंढ कर ये परमिशन यहाँ से अलाउ कर दीजिए, अलाउ कीजिए, फिर बैक कीजिए, फिर बैक कीजिए और यहाँ पर सेविंग मोड के ऊपर फिर से क्लिक कीजिए। और यहाँ पर और एक परमिशन है, उसे अलाउ कीजिए और यहाँ पर देखिए सेविंग मोड यहाँ पर देखिए एक्टिवेट हो चुका है। जो से फिर यहाँ से बैक कीजिए और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे कहा था यहाँ पर 36% यहाँ पर थोड़ा ब्राइटनेस ये कम हो गया है। सो यहाँ पर मैं ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा देता हूँ और यहाँ पर देखिए 36 था और अभी यहाँ पर देखिए 37% यहाँ पर फटाफट से 1% देखिए यहाँ पर बढ़ गया। और यहाँ पर चार्ज फास्टर के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए ये फास्ट चार्जिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पर ये फास्ट चार्जिंग हो रहा है। और यहाँ से बैक कीजिए, बैक करने के बाद यहाँ पर फ़ोन कूलर के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ये आपके फ़ोन को कूल करेगा, आपके फ़ोन के बैकग्राउंड में, प्रोसेस में, सीपीयू में जो भी झंझट है वो उसे यहाँ पर शॉर्ट आउट करेगा और आपके फ़ोन को ये कूल डाउन कर देगा और आपका फ़ोन हीट नहीं करेगा। जब आप फ़ोन में गेम खेलते हो आपको पता है फ़ोन काफ़ी हीट करता है। और यहाँ पर क्लीन जंक के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ये आपके फ़ोन में जो भी क्लीन डेटा है, जो भी कैच डेटा है उसे यहाँ पर ये कचरे फाइल को हटा देगा। देखिए यहाँ पर जंक फाइल रिमूव हो चुका है और ऐसे में आपका फ़ोन लैग नहीं करेगा, हीटिंग इश्यू भी नहीं होगा। और यहाँ पर आपको एक फाइनल सेटिंग करना है ऑप्टिमाइज़, ऑप्टिमाइज़ के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर देखिए 39% दोस्तों यहाँ पर देखिए चार्ज हो चुका है और मैं यहाँ पर 39% को यहाँ पर फिक्स नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए और ये आपके फ़ोन में जो भी इश्यूज़ है उसे ये ऑप्टिमाइज़ करेगा, उसे फिक्स कर देगा और आप यहाँ पर ये जो भी परसेंटेज चार्ज है उसे आप लंबे टाइम के लिए यूज़ कर पाओगे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कम्प्लीटली यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ हो चुका है।
और यहाँ पर देखिए टाइम लेफ्ट यहाँ पर मैं 39% में 8 घंटे रेगुलर यहाँ पर यूज़ कर पाऊँगा फ़ोन के बैटरी को। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा ना 36% था, फटाफट से यहाँ पर 2 मिनट के अंदर यहाँ पर ये 39% हो चुका है। दोस्तों आप सभी को पता है मैंने यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा भी कट करके आपको नहीं दिखा रहा, देखिए फिर से यहाँ पर 40% हो गया। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको 100% यहाँ पर यकीन आ चुका होगा मेरे कहने से। एक बार ये एप्लीकेशन को ज़रूर से ट्राई कीजिए एंड डेफिनेटली प्रैक्टिकली आपको ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत फास्ट ही आपके फ़ोन के बैटरी को चार्ज करेगा और आप लंबे टाइम के लिए यूज कर सकती हो। मैं आशा करता हूं आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो के नीचे लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए टेक्निकल फास्ट पोस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना। आपका दिन खुश हो, आपका दिन सही हो। जय हिंद।